बजट रेंज में आने वाली दो टूरिंग बाइक आज हमारे सामने खड़ी है। एक है एक्सपल्स की प्रो वेरिएंट यानी कि प्रो यूजर्स के लिए, और एक है एक्सपल्स का नॉर्मल वाला वेरिएंट। तो दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है, क्या कुछ फर्क होने वाला है, सारी चीजें आइए जान लेते हैं। देखो तो दोनों ही वेरिएंट खड़े हैं, एक है प्रो वेरिएंट और एक है नॉर्मल वाला वेरिएंट। जब आप देखेंगे तो वैसे तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा फर्क कहां पर है, ये हम दिखा देते हैं। तो ये वाला जो है फोर व्हीलर में होने वाला है, ये भी तो ये होने वाला है इसका नॉर्मल वाला वेरिएंट, वहीं ये वाला होने वाला है प्रो वेरिएंट। तो प्रो वेरिएंट में एक तो सबसे बड़ा जो फर्क है वो होने वाला है इसकी सीट हाइट में। तो जो नॉर्मल वाला वेरिएंट उसमें 825 mm की सीट हाइट होने वाली है, तो अगर आपकी हाइट यार यहाँ पे 5.8 भी है तब भी आप इसे चला पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम प्रो वाले वेरिएंट की बात करें तो देखो प्रो वाला वेरिएंट है तो प्रो यूजर्स के लिए है। अब ये कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर करने के लिए बना है, क्योंकि जो इसकी सीट हाइट है 870 mm की सीट हाइट होने वाली है, वहीं 270 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 70-70 का अच्छा हिसाब रखा है यहाँ पर, 270 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 870 mm की सीट हाइट। ये देखो अब काफ़ी ऊँची सीट हाइट है, तो अगर आपकी हाइट 6 फुट है तभी आप इसे चला पाएंगे साथियों। यहाँ पर देखो फ्यूल टैंक दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक है और 200 cc का इंजन है, लेकिन जो खासी है वो इसका माइलेज आपको अच्छा खासा दे देगी, 35 kmpl तक का आपको माइलेज दे देगी। दोनों में ही इंजन सेम होने वाला है। देखो यहाँ पर जो इंजन लगा है कंपनी ने दिया है, यहाँ पर आपको एक 200 cc वाला इंजन, जिसमें आपको यार 18 bhp की पावर और 19 nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखो किक स्टार्ट भी दोनों ही वेरियंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे हम इसमें देख लें या फिर हम इसके नॉर्मल में देख लें, यहाँ पर भी आपको किक स्टार्ट देखने के लिए मिल जाएगी। एडवांस FI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो इसी वजह से जो इसका माइलेज है वो इन्हेंस हो जाता है। फोर की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है, साथ में जब आप टैंक देखेंगे तो टैंक पर देखो ग्राफिक्स वगैरह लगे हैं कुछ जिस तरीके से जो होने वाले, साथ में जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ में देखो यहाँ पर आपको लगा है कूलिंग का सिस्टम, तो यहाँ पर एक लिक्विड ऑयल कूलिंग सिस्टम के साथ आती है, तो यहाँ पर देखो कूलेंट लगा हुआ दिखाई दे देगा आपको। साथ में यहाँ पर देखो मजबूत है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको नीचे में इंजन का काउल देखने के लिए मिलेगा, जो प्रॉपर एक लोहे के इस्तेमाल से बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर 5 ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए इस गाड़ी में मिल जाएंगे, और क्या क्या मिलता है, IS के मीटर के फंक्शन और सीट हाइट वगैरह देख लेते हैं। तो जब आप इसकी सीट देखेंगे तो देखो यहाँ पर जो सीट है वो आरामदायक होने वाली है, फ्रंट के लिए बात कर लें या पिलियन के लिए बात कर लें, थोड़ी सी कम चौड़ी है ऐसा लोगों का कमेंट है, तो इसको हम एक बार नाप के दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर एक बिलस्त पूरा ही यानी कि एक बड़ी सीट है, और पीछे वाले के लिए एक बिलस्त से भी ज़्यादा बड़ी है, यानी कि अच्छी खासी चौड़ी सीट है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब लंबी भी चलाएं या सिटी में चलाएं तो किसी प्रकार की दिक्कत हो, हाँ थोड़ी सी जो है प्रो वेरिएंट में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी सीट भी देख लेते हैं ना आपके, तो इसकी भी जो सीट है वो यहाँ पर देखो थोड़ी सी जो है वो उससे कम चौड़ी होने वाली जो इसकी सीट है, हालांकि ये भी आरामदायक होने वाली है। टैंक का पैड लगा है, साथ में टायर टू जो ग्रिपिंग होती है, टायर टू राइडिंग की यहाँ पर राइडिंग टू इसकी जो ग्रिपिंग होती है वो भी अच्छी है। साथ में आइए एक बार मीटर के फंक्शन दिखा देते हैं। तो जब आप मीटर इसका ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखो जो मीटर है उसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर चाहे हम एवरेज की बात करें, टाइम की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ खास है, डेट भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है यहाँ पर 11,000 rpm तक होने वाला है, और जो इसकी टॉप की स्पीड है वो यहाँ पर 110 तक तो चली जानी चाहिए लगभग, क्योंकि 200 cc का इंजन है साथियों। यहाँ पर देखो आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिखा देगा, 2 trip meter होने वाले हैं। इंजन चेक की बात हो, स्टैंड अलार्म की बात हो, या फिर सर्विस रिमाइंडर की बात हो, ये सारी ही चीज़ें इसमें आपको मीटर में दिखाई दे देंगी। यहाँ पर बटन की मदद से आप एडजस्ट कर पाएंगे, साथ में एक बड़ा वाइजर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से सिंगल वाइजर है, बड़ा वाइजर होने वाला है। साथ में जो हैंडलिंग और कंट्रोलिंग है गाड़ी की वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बटन्स में क्या क्या दिया है, तो जैसे कि इंजन का किल स्विच देखने के लिए आपको मिल जाएगा, हैंड गार्ड्स लगे हैं यहाँ पर, देखो हैंड गार्ड्स हैं। साथ में यहाँ पर ड्यूल डिस्क होने वाले हैं और ड्यूल चैनल ABS यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर देखो क्लिच भी स्मूथ होने वाला है। साथ में एक बार हम आपको इसका टायर दिखा देते हैं, तो यहाँ पर देखो जब आप इसका टायर देखेंगे, ये 21 इंची का टायर होता है, 90-90-21। यहाँ पर ABS की प्लेट भी लगी है। साथ में जब हम इसका प्रो वेरिएंट से जब हम नॉर्मल वेरिएंट पे जाते हैं, तो नॉर्मल वाला वेरिएंट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका भी जो टायर है वो 90-90 और 21 इंची का होने वाला है। यहाँ पर भी ABS की प्लेट है, और जो दूसरा डिफरेंस होने वाला है वो देखो हम आपको दिखा देते हैं। तो जो दूसरा वाला डिफरेंस होने वाला है वो यहाँ पर देखो, इसमें भी आपको वैसे तो सिंगल चैनल ही ABS देखने के लिए
मिलेगा पीछे के टायर की बात कर लें तो यहाँ पर पीछे का टायर होने वाला है, एक बार साइज़ दिखा देते हैं, 20-80 और यहाँ पर आपको 120-80 और 18 इंची का पीछे का जो टायर है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे में भी डिस्क की प्लेट होने वाली है, सिंगल मोनोसॉक सस्पेंशन से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपल्स प्रो की बैचिंग होने वाली है। साथ में जब आप रियर का प्रोफाइल देखेंगे तो देखो रियर में आपको LED में टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएंगी, टर्न ऑन इंडिकेटर बल्ब में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में दोनों का साइलेंसर आप देख सकते हैं, दोनों में ही जो साइलेंसर है उसकी फिटिंग सेम है। जो मेजर फ़र्क है वो फ़र्क होने वाला है केवल और केवल इसके यहाँ पर जो फ़र्क है वो होने वाला है भैया इसके ग्राउंड क्लियरेंस में, वो होने वाला है इसकी सीट हाइट में, इसके अलावा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पर देखो इसका मीटर जब आप देखेंगे तो इसके मीटर में भी आपको वही सारे फंक्शन जो उसमें आपको देखने के लिए मिलते थे वो ही इसमें देखने के लिए मिलेंगे। अभी इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, नहीं तो गाड़ी चालू हो जाती। यहाँ से आपके इंजन का किल स्विच और यहाँ पर जो बटन है इसकी मदद से आप इसके इंडिकेटर्स वगैरह को ऑन कर पाएंगे। तो फंक्शन दोनों में ही सेम है। यहाँ पर देखो वाइजर वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस रेंज की बात कर लें तो 1,70,000 की जहाँ आती है और वहाँ आती है 1,80,000 की, यानी कि ऑन रोड में 10,000 की प्राइस रेंज में फर्क होने वाला है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। देखो यहाँ पर स्पॉकेट वगैरह देखने के लिए आपको मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर साड़ी गार्ड वगैरह ये सारी चीजें इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एक्सेसरीज के तौर पर। वहां पर जो है थोड़ा सा ये देखो स्पॉकेट जो है थोड़ा सा वहां पर बड़ा सा आपको देखने पर लगेगा। एक बार हम आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर जो स्पॉकेट है थोड़ा सा आपको हो सकता है कि बड़ा देखने पर लगेगा। खैर ये तो आपके विचार है भैया, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको एक्सपल्स प्रो वेरिएंट पसंद है या फिर एक्सपल्स 4V वाला पुराना वेरिएंट पसंद है। हालांकि दोनों ही मॉडल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। यहाँ पर देखो मडगार्ड भी दिखा देते हैं आपको, तो कुछ तरीके से मडगार्ड होने वाला है। इसमें जो है इसका जो सस्पेंशन है फ्रंट का उसका ट्रेवल ज़्यादा है, इसके सस्पेंशन का ट्रेवल थोड़ा सा कम है। और साथ में एक और जो फ़र्क है वो होने वाला है, यहाँ से देखो इसके जो सस्पेंशन है उनको आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे, यानी कि इसकी मदद से आप यहाँ पर जो अपने हाइट के हिसाब से जो भी है एडजस्ट कर पाएंगे ऑफ रोडिंग के हिसाब से। साथ में इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एडजस्ट करने वाला सिस्टम नहीं है, इसमें केवल नट वाला सिस्टम दिया है। तो यही कुछ फ़र्क है। खैर आपको आपको कैसी लगी गाड़ी और आपको कैसा लगा वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पसंद है एक्सपल्स प्रो वेरिएंट या फिर आपको पसंद है प्लेन वाला वेरिएंट, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।